जिसके ताबे थे उसको दज्जाल कहा, किताबें उठाने में शर्म। आज तक हम यही कह रहे हैं। तो सर ये जहाज जो था, मेरी बात सुनिए, दज्जाल कहा कि नहीं इन लोगों को? हैं, दज्जाल जिसको कहा जा रहा है उसका गुलाम होता है अगला इंसान। और साबित किया कि वो काना दज्जाल जो आना था वो तुम्हारी कौमें हैं, तुम्हारी दाई आंख अंधी है क्योंकि तुम्हारा दीन मर चुका है, तुम्हारी बाई आंख जो दुनिया परस्ती की वो रोशन है, इसलिए तुम ही दज्जाल हो। ये जो खुद काश्ता पौधा ऐसी बातें किया करता। और इन लोगों ने, मौलवियों ने क्या किया? उन्होंने कहा ना ना ना, दज्जाल तो अभी आना है, वो तो उस वक्त आएगा जब वो गधा पैदा हो जाएगा जो इतना लंबा चौड़ा है, आग खाएगा और चलने से पहले ऐलान किया करेगा। वो गधा तो पैदा ही नहीं हुआ, उसकी माँ भी नहीं पैदा हुई, तो दज्जाल कहाँ से आ जाएगा? तो अब बताएं, ये मौलवियों की बातें अकल की हैं, जो मसीह मौऊद अलैहि सलाम की बातें अकल की हैं। लेकिन सर एक बात है, ये हजूर जो बात करती हैं एलेगोरिकल सिंबॉलिक, मतलब जो क्राइस्ट के मौजे हैं, आगे आ जाए, आगे आ जाए, क्राइस्ट के जो मौजे हैं, कहा जाता है कि वो भी सिंबॉलिक थे, यानी कि ट्रू सेंस में वो नहीं हुआ। और उसके बाद काना दज्जाल की बात करते हैं कि वो भी ट्रू सेंस से करेक्टर नहीं है, वो कि सिंबॉलिक है, में है लेकिन लफ्जी नहीं है। जी ट्रू सेंस तो वो नहीं, ट्रू सेंस मतलब लिटरेट मीनिंग जो है और सिंबॉलिक है, लफ्जी तर्जमा जायज नहीं है। हम उसको साबित करते हैं, इस तरह साबित करते हैं कि तुम देखो कि अगर वो गधा आए जिसको तुम कह रहे हो वाकई गधा हो, तो वो गधा आग खाएगा, ठीक है जी, और आग खाकर चलेगा और उसके पेट में सवारियां बैठेंगी, और दाखिल कहां से होंगी, किस रास्ते से? कभी गौर भी तो करें। रसूलुल्लाह सल्लम ने उसका सिंबॉलिक होना खुद साबित कर दिया है, इनको नजर नहीं आता। आपने फरमाया उसके पहलू में खिड़कियां होंगी, पेट के दोनों तरफ, वहां से लोग बैठेंगे, और अंदर तो उसने आग खाई होगी तो जलेंगे क्यों नहीं? फरमाया अंदर आराम दे, बैठने के इंतजाम होंगे और रोशनियां भी जल रही होंगी। और वो गधा इतना तेज रफ्तार होगा कि महीनों का सफर एक दिन में या घंटों में तय करेगा। और फरमाया कि वो उसके स्टेशन होंगे, हर स्टेशन पर रुकेगा और कहेगा आ जाओ, जिसने बैठना बैठ जाए, मैं चलने लगा हूँ, फिर चल पड़ेगा, और फिर अगले स्टेशन पर रुकेगा, फिर अगले स्टेशन पर रुकेगा, और सवारियाँ उसमें सफ़र करेंगी। जब रसूल सर ने इतनी वजाहत से पेशगोई की तो इसको लफ्जी कहने वाला गधे के सिवा कोई नहीं हो सकता। आंखों के सामने बात रोशन हो गई। दुनिया में मजहबी पेशगोइयों की तारीख में इससे ज्यादा अजीम शान पेशगोई आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। लफ्जन लफ्जन पूरी हुई है, मगर मानी तो माने के तौर पर हर लफ्ज के जो माने हैं वो पूरे हो गए। फिर ये भी मौलवियों ने नहीं सोचा कि वो गधा जो इस तरह दौड़ी फिरता है स्टेशन बना बनाकर, है तो दज्जाल का गधा मगर चढ़ते हैं उसमें आम लोग, और फिर ये नहीं सोचा कि वो समंदर में भी चलता है। और रसूल सल्लम ने फरमाया कि जब वो समंदर में चलेगा तो उसका हुजम इतना बड़ा हो जाएगा कि वो खुराक के पहाड़ उठाकर सफर कर रहेगा समंदर में, और घुटनों से नीचे नहीं डूबेगा, उसके उस पर पहाड़ों के खुराक के पहाड़ लदे होंगे। और आपने फरमाया कि वो खुराक के जो पहाड़ लदे होंगे वो दज्जाल की तरफ से गरीब कौमों की तरफ तोहफा लेके जाएगा, लेकिन सिर्फ उन गरीब कौमों की तरफ जो दज्जाल के सामने अपना सर झुका देंगे, जो दज्जाल की बालादस्ती को कबूल नहीं करेंगे, वो भूखे मर जाएं तो उनको ये फूड एड नहीं देगा। कभी आपने सुना है कि अमेरिका से वाकयातन माउंटेन लोर्ड्स, पहाड़ लदे हुए खुराक के चलते रहे हैं जहाज़ों पर और उन गरीब मुल्कों की तरफ जाते रहे हैं जहाँ भूख थी मगर वो अमेरिका की बालादस्ती को कबूल करते थे, साथ के हमसाए भूखे मरते रहे, उनकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। दुरुस्त है या गलत है? सही। तो अभी भी पता नहीं कि वो गधा क्या है। फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई ऐसा मौका छोड़ा ही नहीं जिससे साहिब अकल को समझ आ जाए
کہ لفظی پیشگوئی نہیں ہے, مانوی ہے. آپ نے فرمایا وہ گدھا اتنی لمبی چھلانگ لگائے گا کہ ایک قدم اس کا مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں, اور بادلوں سے اوپر اڑے گا. اب بتائیے کہ جب جہاز مشرق سے اڑتے ہیں اور مغرب میں لینڈ کرتے ہیں اور بادلوں سے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری نہیں ہوتی؟ صحیح. تو اگر آپ لفظوں میں اٹکے رہے تو کبھی بھی مرتے دم تک بھی آپ دجال کی گدھے کو نہیں پہچان سکیں گے, دجال کو پہچانے کی تو باری ہی نہیں آنی. بس وہ علامتیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمائیں اور ہمارے سامنے پوری ہو گئیں, ان کو جب میں غیروں کی مجلس میں, عیسائیوں کی مجلس میں بیان کرتا ہوں تو ہر ایک سر ہلاتا ہے کہ درست ہے, یہ پیشگوئی بڑی صفائی سے پوری ہو گئی ہے. ایک بار مولوی بیٹھے صرف لا رنگ نہیں نہیں ہوئی. تو کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس دور میں آنکھیں کھولیں, اس زمانے کے علم میں آنکھیں کھولیں تو آپ کو احمدیت کے سوا کوئی سچا دکھائی نہیں دے گا مولویوں اسلام کے اندر, کیونکہ ہر بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی عقل کل کا تقاضا ہونا چاہیے. پروفٹس کی وزڈم, یعنی جو عقل اور حکمت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے اس کے مطابق اس کی شایان شان ہم ترجمے کرتے ہیں اور پھر وہ پورے ہوتے دکھائی دے دیتے ہیں. تو جب دن چڑھائے تو پھر کیا شک کی گنجائش ہے کہ رات ہے کہ دن ہے؟ اس لیے احمدیت کا اس نظر سے بھی مطالعہ کر کے دیکھیں. وہ دجال آ بھی گیا, اس کے دن پھر بدلنے بھی شروع ہو گئے اور ابھی تک یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور کبھی آپ نے, آپ کو پتا ہے کہ یہ کائنات ہے کتنی بڑی؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا. یہ تو کسی کو نہیں پتا. نہیں, سائنسدانوں نے اندازہ لگا لیا روشنی کے سفر سے. روشنی 186,000 میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے سفر کرتی ہے, درست؟ اور اس کائنات کے پرلے کنارے سے جو اس وقت سب سے دور ہے وہاں سے جو روشنی 18 ارب سال یا 20 ارب سال پہلے چلی تھی وہ اب یہاں زمین پہ پہنچ رہی ہے. اور وہ 18 ارب سال پہلے کے واقعات اس زمانے کی روشنی پہنچ کر بتا رہی ہے کہ میں کتنی دور سے آئی ہوں اور کیا پیغام لائی ہوں. تو کائنات کا فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک شخص روشنی پر چڑھ کر سفر کرے 186,000 میل فی سیکنڈ تو اس کو کائنات کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ 20 ارب سال یا 18 ارب سال؟ لیکن 18 ارب سال سے زیادہ اس لیے کہ کائنات پھیل بھی رہی ہے اور دور ہٹ رہی ہے. تو جب وہ کنارے پہ پہنچے گا تو کنارہ اور دور ہٹ چکا ہوگا. اب سمجھ گئے بات؟ جی. اب آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مولوی کیا کہتے ہیں کہ کس آسمان پر اٹھائے گئے؟ چوتھے آسمان پر. ٹھیک ہے, کل کتنے آسمان ہیں؟ سات. تو چوتھا آسمان, آسمان مڈل میں ہوا نا. ٹھیک ہے جی. تو مڈل کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہوا؟ 10 ارب سال. ٹھیک ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر روشنی پر چڑھ کر اس وسطی آسمان کی طرف جا رہے ہوں تو ابھی یہاں کنارے پہ ہوں گے کہیں, کیونکہ 2,000 سال اور 10 ارب سال میں بہت فرق ہے, بے انتہا فرق ہے. تو ابھی تو پہنچے ہی نہیں, اور ہاتھ لگا کر اگر فوراً واپس مڑیں تو مولوی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ 20 ارب سال تک امید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے. یعنی کہتے یہ نہیں ہے مگر مطلب یہی ہے ان کا, کیونکہ کہتے ہیں لفظاً لفظاً مانو. تو یہ نبی لوگ ٹائم سپیس سے آزاد نہیں ہوتے؟ یہ نبی پیغمبر ٹائم اور سپیس سے یہ لوگ آزاد نہیں ہوتے؟ کیا وہ خدا کے قانون سے آزاد ہیں؟ نہیں, مراد شریف بھی تو ہی ہے نا. میں یہ پوچھ رہا ہوں ٹائم اور سپیس سے آزاد ہوئی ہے نا. خدا کے قانون سے آزاد ہیں؟ نہیں, خدا کی کانسن کے ساتھ تو ہے نا. میں کہہ رہا ہوں خدا کے قانون سے آزاد ہیں کہ نہیں؟ نہیں. سپیس اور ٹائم کس نے پیدا کیا ہے؟ خدا نے. تو اس سے کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں؟ خدا کی کانسنٹ کے ساتھ. کیا اس کی مرضی کے ساتھ؟ اس کی کیا آپ اپنا قانون اپنی مرضی سے توڑ دیتے ہیں؟ اگر مقنن اچھا ہو تو وہ قانون میں گنجائشیں رکھتا ہے, اس کو توڑا نہیں کرتا.
ये जाहिल लोग ही हैं जो अपने कानून बनाते हैं, नाकिस बनाते हैं और फिर तोड़ना पड़ता है उनको। जो मुकन्निन अच्छा हो वो कानून में गुंजाइशें रखा करता है, तोड़ा नहीं करता। अल्लाह ताला को अपने कानून बनाकर तोड़ने की ज़रूरत क्या थी, जबकि कुरान ख़ुद कहता है कि मेरे कवानीन जो हैं ज़मीन व आसमान पर हावी, उनमें एक ज़र्रा भी रखना नहीं है। कभी पढ़ी नहीं आपने यह? अल्लाह ताला फरमाता है इतना भी रखना नहीं है कि अगर तुम नज़र को दौड़ाओ और ढूंढो कि शायद कहीं कोई लूप होल बाकी रह गया हो तो तुम्हारी नज़र थकी हुई वापस लौट आएगी, फिर दौड़ाओ और फिर ढूंढो कि कोई रखना है कि नहीं। नाकाम ना मुराद थकी हुई नज़र तुम्हारी लौट आएगी मगर कहीं कोई रखना नहीं पाएगी। तो जिस खुदा का ये दावा है कि मेरा कानून इतना कामिल है वो तोड़ेगा क्यों? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो खुद जाहिल है। तो इसलिए खुदा का कानून हर एक के ऊपर बराबर चस्पा होता है। नबी भी उस कानून की ज़द से बाहर कभी भी नहीं रहे। कोई नबी ऐसा ये नहीं होता कि वो कहे कि मैं खुदा के कानून से बाला हूँ। खुदा अपने कानून के ताबे उनको बचाता है, वरना फिरौन से बचाने के लिए हज़रत मूसा को दौड़ने का हुक्म क्यों दे दिया? रसूल सल्लम को हिजरत का क्यों फरमा दिया? क्या दुनिया का मामूली अरब का कानून भी उसका गुलाम नहीं था? तो हज़रत ईसा के साथ ये सलूक कि जिस कायनात में रखना कोई ना हो उसमें रखना खुद पैदा कर दे। और जहाँ तक हिसाब का ताल्लुक है, जो साहिब दानिश लोग हैं उनको पता है कि हिसाबी लिहाज से रफ्तार, रोशनी की रफ्तार से आगे बढ़ना मुमकिन है ही नहीं उस हिसाब की रूह से जो खुदा ने पैदा किया है, उस हिसाब की रूह से जिसको कुरान करीम फरमाता है कि इस हिसाब में क़्यामत तक इसी हिसाब से चांद सूरज चलते रहेंगे और कभी भी इनकी रफ्तारों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुरान की दूसरी आयतों से देखें, इसलिए हज़रत ईसा को बचाने की खातिर आप कोई झूठी पनाह नहीं ले सकते। अगर बचाने की खातिर खुदा ने यह काम किया कि कानून तोड़ दिए तो यहूद से वहां क्यों ना बचा लिया, हजार गज ऊंचा उठा लेता, यहूद ने पहुंच जाना था हजार गज तक, चौथे आसमान पर जरूर पहुंचा के रखना था। सारे कानून तहस नहस, सब नबियों से अलग सलूक। अकल की बातें करें, खुदा का खौफ करें। कुरान करीम ने जो नक्शा खींचा है अल्लाह ताला की कुदरत कामला और हिकमत का, सिर्फ ईसा को बचाने की खातिर आप उसको तोड़ेंगे? और ये भी नहीं सोचते कि वो आके करेगा क्या? वही ईसा आएगा ना जो पुराना था। अगर मौलवी की बात आप मानते हैं तो वो क्या था, किसकी तरफ रसूल था? बनी इसराइल की तरफ जी, या इस्लाम की तरफ? बनी इसराइल। कुरान नाजिल हुआ था उस पर? नहीं। अच्छा, अब बताएं, वो स्पेस में बैठा हुआ ना अभी तक? रसूल सल्लम को आए हुए कितना अरसा हो गया है? 1400 साल। हज़रत ईसा ऊपर गैर मुस्लिम नबी के तौर पर बैठे हुए हैं या मुस्लिम नबी के तौर पर? ये तो क्रिश्चियंस का अपना कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम्स का अपना है। वो मुसलमान तो नहीं ना फिर? नहीं। तो गैर मुस्लिम नबी यहाँ आके करेगा क्या, जबकि कुरान कहेगा रसूलन इला बनी इसराइल, और वो जो रसूल के जाहिर होने के बावजूद अपना दीन ना बदले उसकी गुलामी करेंगे आप? अकल से बात करें। कुरान तो कहता है हमने उसको तौरात के ताबे किया, अंजील के ताबे किया, कुरान का जिक्र भी नहीं फरमाता कि कुरान के ताबे किया। तो आपको अंजील ही पढ़ाएगा ना आके, या तौरात की तालीम देगा? तो खुद मुसलमान हो गए, आपको ईसाई बना देगा आके? थोड़ा सा गौर करें, अकल दौड़ाएं कि ये हो कैसे सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर बैठे हुए, रसूल सल्लम ज़ाहिर हो गए और उनको खबर ही नहीं। और अगर आप कहें कि खबर हो गई तो खुदा ने बरह रास्त खबर दी ना, फिर खबर होने के बाद मुसलमान हुए कि नहीं? होना पड़ेगा। मुसलमान हुए तो इस्लाम पर अमल कैसे करेंगे? इस्लाम की तालीम बरह रास्त दिल पे नाजिल होगी, और अगर दिल पे बरह रास्त नाजिल हुई तो एक शरीक नबी पैदा हो गया कायनात में। ये सारे जुल्म, ये सारे फसाद इसलिए बर्दाश्त करना चाहते हैं आप कि मिर्ज़ा साहब को सच्चा ना माने?
सब कुछ अपना झूठा कर दिया कि मिर्जा साहब को ना मानना पड़े, अकल का सौदा नहीं। बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू।